हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नो वे होम के रीशूट के अपडेट के बारे में। तो सभी जानते हैं कि लॉस एंजलिस में अभी हाल ही में शूटिंग चल रही है और इस दौरान हमें काफी सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर घूमते हुए नजर आए। जी हाँ, जिसमें कि सबसे पहले टॉमी मैकफाय की इमेजेस आई थी, वीडियोस आई थी, फिर एंडू गार्फील्ड की भी नजर आई थी, फिर उसके बाद टॉम हॉलैंड भी हमें नजर आए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ यानी कि बेंडेड कमरबैच, उसके बाद जेकब भी नजर आए जो कि नेट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा बहुचर्चित वायरल फोटो हो रही है वो है हमारी एमजे। जी हाँ, अगर आपने 2002 वाली स्पाइडरमैन मूवी देखी है जिसमें कि एमजे का कैरेक्टर जो प्ले करती थी क्रिस्टिन डंस, वो भी हमें लॉस एंजलिस में घूमती नजर आई। और आप जानते हैं कि अब तक एमसीयू में हमें 3 एमजे देखने को मिल चुकी हैं, जिसमें कि न्यू वाली स्पाइडरमैन, ओल्ड वाली स्पाइडरमैन मूवी और देन स्पाइडरवर्स मूवी वाली। तो अब ओल्ड वाली के तो काफी कुछ रूमर्स आ रहे थे, और जब से ये इमेजेस सामने आई है लॉस एंजलिस में जो कि कल परसों की ही है, जिसमें कि क्रिस्टिन आराम से घूमती हुई नजर आ रही है, तो लोगों का, फैंस का ये मानना है कि इस मूवी में इनका और भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस दौरान शूट चल रहे हैं, रीशूट हो रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के, उसी दौरान ये हमें घूमती हुई और इनकी इमेजेस इतनी ज्यादा वायरल हो गई, तो पॉसिबली बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। और साथ में जो लेडी है वो डेडेविल में भी ऑलरेडी काम कर चुकी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, पर उन्होंने क्लियर ट्विटर अकाउंट पर कंफर्म कर दिया कि वो मैं नहीं हूँ, क्रिस्टिन के साथ जो वो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। तो शायद हो सकता है वो नहीं हो, वो खुद ही इस चीज़ को क्लियर कर रही है, क्योंकि कौन वायरल होना चाहता है या कौन फेमस होना चाहता है, सिंपल सी बात है। और जो होना चाहता है वो तो फिर दीपक कलाल जैसी हरकतें करता ही है। और साथ ही साथ एक और सेट इमेजेस आई है जिसमें कि हमारे टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन और बेनेडिक्ट कमरबैच यानी डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं हेलो हाय करते हुए। और एक सामने एक और सेट इमेजेस सामने आई जिसमें कि हमें क्रू टीम मेंबर का एक लड़का टी शर्ट पहना हुआ ब्लैक कलर की, जिसमें कि उल्टा लटकता हुआ स्पाइडरमैन लटका हुआ है, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम है। तो यानी कि मल्टीवर्स तो कन्फर्म है, पर बस ट्रेलर का इंतजार है, क्योंकि उसी से सारी चीजें कन्फर्म होंगी क्या क्या है एक्चुअल में, क्या क्या नहीं। और देन 3 हफ्ते पहले केविन फाइगी ने कंफर्म करा था कि आपको फ्यूचर में स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलेगी, और हाल ही में वेनम का सेट इमेजेस देखने को मिला था, और देन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हिंट दी थी, पर अब हाल ही में कौन सा पार्ट देखने को मिला है जिसमें कि टाइटल में वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन है, आप खुद देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं सिनेमा कौन के बारे में, तो आप वीडियो को थोड़ा यहाँ पे पॉज कर लीजिए, क्योंकि 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे का प्रोग्राम होने वाला है सिनेमा कॉन, जिसकी डेट है 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक की, जिसमें कि सोनी अपनी अपकमिंग मूवीज की रिलीजिंग कौन सा पार्ट पोस्टर रिलीज करने वाला है, आप खुद इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का, थॉर लव एंड थंडर। तो फाइनली थॉर का मेन विलन रिवील्ड कर दिया गया है, गॉड द वूचर, उसका फर्स्ट लुक आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है, और देन मैं तो देख के इसका फैन ही बन गया। क्रिस्टन बेल इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि डार्क नाइट में बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करते थे, अब वो आपको थॉर मूवी में एज अ विलन देखने को मिलेंगे, और देन ये VFX से और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया जाएगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और देन उसी के साथ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये अपडेट कैसे लगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।